हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिरोन्स फॉर्मूला। नाइन्थ स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है हिरोन्स फॉर्मूला, उससे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हिरोन्स फॉर्मूला का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए। फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल वी यूज़ द हिरोन्स फॉर्मूला। अब आप सोचोगे कि एरिया ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट? तो फिर ये हिरोन्स फॉर्मूला पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको भी हम देखते हैं और इसके स्टेप्स क्या हैं उन पर भी हम बात करते हैं, ओके? तो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे कि हिरोन्स फॉर्मूला क्या है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द हिरोन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट एस S माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। दिस इज द हिरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल वेयर ए बी एंड सी। यहां पर ए बी सी क्या है? दीज आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल हमें गिवन होगा उसके साइड्स क्या हैं? ए बी और सी। और ये चौथा वेरिएबल जो S है ये क्या है? तो बच्चों ये है सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर, राइट? ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल हमें गिवन होगा, सपोज हमें कोई ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन है जिसकी साइड्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और सपोज दैट 11 सेंटीमीटर, ओके? तो इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना है और इसकी साइड्स गिवन है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हो ट्रायंगल में कितने साइड होती है? 3 साइड, राइट? 6 सेंटीमीटर, 8 और 11। तो इसके हिसाब से ए की वैल्यू क्या हो गई? 6, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 11, करेक्ट? एस क्या है? यहां पर लिखा हुआ है, आप देखो, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसमें आ रहा है, पेरीमीटर। आप सभी जानते हो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड ऑफ एनी पॉलीगन। पेरीमीटर इनके सभी साइड का सम है। मींस पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट? ए प्लस बी प्लस सी क्या है? पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। सेमी मीन्स हाफ, मैंने पेरीमीटर क्या कर दिया? हाफ। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस। एंड हेयर ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 11। हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 6, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 11, राइट? अब यहां पर इस फॉर्मूले में सबसे पहले S की वैल्यू क्या आ गई? S को फाइंड करते हैं। तो 6 प्लस 8 प्लस 11 अपॉन 2, करेक्ट? तो S की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8, 11 और 8 कितना हुआ? 19। 19 और 6 कितना हुआ? 25। तो 25 अपॉन 2, राइट? तो अगर इसे डेसिमल में आप फाइंड करना चाहो तो ये आ गया 12.5। ये S की वैल्यू आ गई। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या लिखोगे आप? एस की वैल्यू 12.5। फिर क्या है बच्चों? एस माइनस ए। तो 12.5 माइनस 6, 12.5 माइनस 6 और क्या है इसमें? 12.5 माइनस 8 और 12.5 माइनस 11। और इससे आप सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। अभी हमने जनरली एक क्वेश्चन ऐसे उठा लिया क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, तो हो सकता है जब हम सॉल्व करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो। मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था। अब हम कोई एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसे सॉल्व करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि आपको उस समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। तो बच्चों जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हूज साइड्स ऑफ लेंथ 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड
60 सेंटीमीटर, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर ए इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 56, सी इज इक्वल टू 60, राइट। और एस फाइंड करेंगे, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, दिस इज 52 प्लस 56 प्लस 60 अपॉन टू, ये कितना हो गया 168 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 84 सेंटीमीटर। तो बच्चों एस की वैल्यू क्या आई, 84 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। ओके, अब हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। नाउ वी यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। तो यहां पर ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है, एस 3, और फिर से एस 84 माइनस ए की वैल्यू 52, फिर उसके बाद एस 84 माइनस 56, दिस इज 84 माइनस 60। ओके बच्चों, फिर यहां पर इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये 84 हो गया, 84 माइनस 52 दिस इज 32, अगेन 84 माइनस 56, 4, 4, 8, 24, अगेन 84 माइनस 60, सॉरी दिस इज 28, 84 माइनस 60 कितना हुआ 24। ओके बच्चों, तो अब या तो आप इसे मल्टीप्लाई करके फिर इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो शायद थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। या दूसरा मेथड ये है कि इसका आप फैक्टराइजेशन कर लो, सभी नंबर्स का आप क्या कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो, और जो भी नंबर पेयर में है उन्हें आप स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो। तो देखते हैं, 84 को लिख सकते हैं हम 14 इंटू 6, 32 को लिख सकते हैं 8 इंटू 4, 28 को 7 इंटू 4 और 24 को 6 इंटू 4। अभी आप देखो तो 6 और 6 का एक पेयर बन चुका है, यहाँ पर 4 और 4 का एक पेयर बन गया, करेक्ट। अभी एक 4 यहाँ पर है, तो इस 14 को ब्रेक कर लेते हैं, 14 को, ओके, तो 14 को ब्रेक यहां पर कर लेते हैं, यहां पर 14 को हमने ब्रेक किया 7 इंटू 2, राइट, और ये 6 इंटू 6 यहां पर लिख लो, 6 इंटू 6, फिर ये 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, ओके, और क्या बचा बच्चों, ये 8, 4 और 7, 8 इंटू 4 इंटू 7, करेक्ट। तो आप देखो यहां पर 7 और 7 का एक पेयर ये बन गया, करेक्ट, और इस 4 में अगर यहां पर 8 को हम 2 इंटू 4 लिख दें तो 4 का पेयर इसके साथ बन गया और 2 का पेयर इसके साथ बन गया। तो हमारे पास क्या क्या पेयर बने, 7 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 4, और इसे मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आया, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 6 84, 84 इंटू 16, 16 4 64, दिस इज 4 कैरी 6 134, द आंसर इज 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया, 1300
44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हीरोंस फॉर्मूला है। इस हीरोंस फॉर्मूला की हेल्प से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया, जिस ट्रायंगल में हमें साइड गिवन थी 52, 56, 60। अब आप सोचोगे कि सर हमारे पास पहले से एक फॉर्मूला था हाफ बेस इंटू हाइट का। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट में एरिया आप तभी फाइंड कर सकते हो जब बेस और हाइट करिस्पॉन्डिंग हाइट गिवन हो। इसका मतलब अगर साइड गिवन होगी तो आप इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका यूज समझ में आया? इसका यूज ये है कि जब भी आपको ट्रायंगल के तीनों साइड दिए होंगे तब आप इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।